40,000 unit is their target of sales. And for this 40,000 unit, they have to make the production. And the production department has given the following figures. Two kinds of raw material, material A and material B, are required for manufacturing the product. Each product requires 3 units of material A and 2 units of material B. So if they have to manufacture 1 unit of particular product, जहां पे प्रोडक्ट का नाम नहीं दिया है, अगर उस प्रोडक्ट को बनाना है तो मटेरियल ए का 3 यूनिट्स चाहिए और मटेरियल बी का 2 यूनिट्स चाहिए. द एस्टिमेटेड ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर विल बी, देखो ओपनिंग बैलेंस बोला है नेक्स्ट ईयर का, मतलब करंट ईयर का क्लोजिंग होगा वो. तो करंट ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है. फिनिश प्रोडक्ट 10,000 यूनिट होगा, मटेरियल ए का 12,000 यूनिट होगा उनके पास और मटेरियल बी का 15,000 यूनिट. दिस इज द ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर, मतलब करंट ईयर का एक क्लोजिंग है. फिनिश गुड 10,000 यूनिट अनसोल्ड पड़ा है, मटेरियल ए और मटेरियल बी की जो क्वांटिटी है वो उनके पास है 12,000 और 15,000 यूनिट. द डिजायरेबल क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, उन्होंने क्लोजिंग बैलेंस बोला है कि एवरी ईयर दिस मच बैलेंस शुड बी एज ए क्लोजिंग बैलेंस. फिनिश प्रोडक्ट का 16,000 होना चाहिए, मटेरियल ए का 14,000 होना चाहिए और मटेरियल बी का 15,000. तो दिस इज द रिक्वायरमेंट दैट एवरी ईयर दिस शुड बी द क्लोजिंग बैलेंस. ओके, ड्रॉ अप मटेरियल परचेज बजट. अब कितना मटेरियल परचेज करना है वो हमें बताना है. तो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताई थी प्रोडक्शन की, कि हमें कितना यूनिट प्रोड्यूस करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. अगर हमें कोई सेल्स दिया है तो सेल्स लेना है, उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना है और ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है. तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना प्रोडक्शन करना है. सेम वे हियर, इफ यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ मटेरियल टू बी परचेस, वी विल डू इन द सेम वे. तो पहले एक वर्किंग नोट देख लेते हैं. यहाँ पे आपको एक वर्किंग नोट दिया हुआ है, देख सकते हो. प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कितना यूनिट प्रोड्यूस करोगे मटेरियल का, दैट इज एस्टिमेटेड एज फॉलो. सबसे पहले तो आपको सेल्स ले लेना है जो कल भी आपने लिया था, उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देना है और ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है. तो इस फॉर्मूला से हम वो फाइंड करेंगे, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. तो आपको कितना प्रोडक्शन करना है मटेरियल का, या तो कितना मटेरियल परचेज करना है वो आपको मिल जाएगा. नाउ लेट अस प्रिपेयर द मटेरियल परचेज बजट एंड इट इज गिवन इन द क्वांटिटी, रुपीज में नहीं दिया है. अगर आपको वैल्यू दिया होता मटेरियल का तो रुपीज भी हम काउंट करते. अभी आपको यहाँ पे पहले बता दिया है मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 46,000 यूनिट. तो सबसे पहले तो ये समझना है 46,000 यूनिट कहाँ से आया, हाउ दे हैव गॉट दिस 46,000 यूनिट. तो देखो क्वेश्चन में आपको 40,000 यूनिट का टारगेटेड सेल्स दिया हुआ है, 40,000 यूनिट का आपको सेल्स करना है. तो ये आपके पास एक फिगर है. फिनिश प्रोडक्ट की आपको ओपनिंग वैल्यू दिया है, मतलब करंट ईयर का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग है. और डिजायरेबल बैलेंस भी उनको आपको दिया हुआ है. तो पहले वर्किंग से कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा वो देख लेते हैं. तो आप वर्किंग देख सकते हो, वर्किंग में सबसे पहले उन्होंने 40,000 रुपीज लिया, 40,000 यूनिट्स लिया है सेल्स का, टारगेटेड सेल्स. 16,000 का क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस रखना है और 10,000 उनका ओपनिंग बैलेंस है. तो ये फिगर्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है. 40,000 का सेल्स, 60,000 का क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस रखना है और आपको यहाँ पे बताया है ओपनिंग बैलेंस फॉर नेक्स्ट ईयर विल बी 10,000. तो 10,000 ओपनिंग बैलेंस, इसको माइनस कर दिया. तो 40 प्लस
56 माइनस 10 तो 46,000 यूनिट्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो 46,000 यूनिट प्रोडक्ट का बनाना है, फिनिश प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। 40,000 का सेल्स करना है, साल के एंड में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 16,000 रहना चाहिए, तो कुल मिला के हमें 56,000 यूनिट चाहिए। और ओपनिंग हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, तो 10,000 पड़ा हुआ है, मतलब हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा 46,000 यूनिट। अब इस 46,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें मटेरियल ए और मटेरियल बी की जरूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पे मटेरियल परचेस बजट में देख सकते हो, दो कॉलम दिया है, मटेरियल ए कितना परचेस करेगा, मटेरियल बी कितना परचेस करेगी। तो मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 46,000 यूनिट, अब आप सबको पता है एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल ए का 3 यूनिट्स चाहिए। ये जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल ए का 3 यूनिट्स होने चाहिए। तो हमें तो 46,000 यूनिट बनाना है, तो अगर एक यूनिट बनाने के लिए आपको 3 यूनिट्स चाहिए तो 46 के लिए कितना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 46,000 इंटू 3। तो जब आप 46,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मटेरियल ए का जो रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगा 1,38,000। सेम वे मटेरियल बी की बात करें तो एक यूनिट प्रोडक्ट का बनाने के लिए मटेरियल बी का आपको 2 यूनिट चाहिए। हमें 46,000 यूनिट बनाना है तो 46,000 इंटू 2 कर दोगे तो मटेरियल बी का रिक्वायरमेंट आ जाएगा जो 92,000 यूनिट्स है। साथ में आपको ये भी बोला है डिजायर्ड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल, आपको 3 डिजायर दिया हुआ है, एक तो फिनिश प्रोडक्ट का और मटेरियल ए का और मटेरियल बी का, तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना है, ये आपको याद रखना है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो मटेरियल का है जो डिजायर्ड है, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, मटेरियल ए का 14,000 दिया है और मटेरियल बी का 15,000 दिया है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसमें से आपको ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देना है मटेरियल का, तो मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक आपको 12,000 यूनिट दिया हुआ है और बी का 15,000 यूनिट दिया है, वो माइनस कर दिया, तो ये जो वैल्यूज आ रही है 1,40,000 यूनिट्स हमें मटेरियल ए के चाहिए और मटेरियल बी के 92,000 यूनिट्स चाहिए। सो दिस मच मटेरियल वी हैव टू परचेज फ्रॉम द मार्केट। तो ए हो गया आपका मटेरियल परचेज बजट। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। सबसे पहले तो आपको कितना यूनिट प्रोड्यूस करना है फिनिश प्रोडक्ट का वो फाइंड करना पड़ेगा, जो वर्किंग में हमने फाइंड किया 46,000 यूनिट, जिसके लिए हमें एस्टिमेटेड सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड करना है, तो 46,000 मिल गया। 46,000 यूनिट बनाने के लिए हमें मटेरियल ए और मटेरियल बी का कितना यूनिट्स चाहिए वो हमने ले लिया, तो मटेरियल ए का 1,38,000 यूनिट चाहिए, मटेरियल बी का 92,000 यूनिट्स चाहिए। किस तरीके से हमें मिला, तो बहुत सिंपल है, एक यूनिट फिनिश प्रोडक्ट का बनाने के लिए 3 यूनिट्स मटेरियल ए का चाहिए, तो हमें 46,000 यूनिट बनाना है, तो 46,000 इंटू 3 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 1,38,000। तो मटेरियल ए की रिक्वायरमेंट हो गई, इतना परचेस करेंगे, मटेरियल बी का 46 इंटू 2 करेंगे क्योंकि वहां पे एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल बी का 2 यूनिट चाहिए, मतलब 3 प्लस 2 का कॉम्बिनेशन होगा तो आपका एक फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। साथ में आपको ये भी बोला है कि इस मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे हाथ में रहना चाहिए साल के एंड में, जो आपको बोला है डिजायर क्लोजिंग बैलेंस, तो वो आपने उसमें ऐड कर दिया, डिजायर क्लोजिंग बैलेंस आपने ऐड कर दिया,
उसमें से आप माइनस कर दोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल विच इज अवेलेबल इन द नेक्स्ट ईयर, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मटेरियल नेक्स्ट ईयर हमें परचेज करना पड़ेगा. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन दिस. दिस इज द मटेरियल परचेज बजट और वी कैन से द मटेरियल बजट. अगर इसमें हम रुपीज मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मटेरियल कॉस्ट बजट बन जाएगा. फिर अगर मटेरियल की कॉस्ट दी है पर यूनिट वो मल्टीप्लाई कर दो तो मटेरियल कॉस्ट बजट बन जाता है. आई होप देर इज नो डाउट. नो सर. ओके चलो अब नेक्स्ट एक एक्सरसाइज देखते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर रॉ मटेरियल परचेज बजट. अब वहां पे हमको पूरे साल का दिया था तो इजी कैलकुलेशन हो गया. अब मंथ वाइज दिया है सेम वे वही वही प्रोसेस फॉलो करनी है. वहां पे पूरे साल का सेल्स दिया था, यहाँ पे आपको मंथ वाइज दिया होगा, मंथ वाइज ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, तो प्रोसेस आपकी वही रहेगी. आपको एक बेसिक फॉर्मूला ऑलवेज याद रखनी है, कोई भी बजट हो, प्रोडक्शन बजट हो या मटेरियल परचेस बजट हो, एस्टिमेटेड सेल्स में आपको क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर देना है और ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है, ये आपको याद रखना है. तो आपको कितना प्रोडक्शन करना है वो मिल जाएगा या तो कितना परचेस करना है उसका डेटा मिल जाएगा. ओके तो ये हो गया मटेरियल परचेस बजट. चलो मटेरियल यूनिट्स में आपको दिया है ए बी सी डी ई एफ, ये अलग अलग तरीके मटेरियल हैं. ऊपर वाले एक्सरसाइज में खाली दो ही मटेरियल थे ए और बी, यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल दिए हुए हैं. एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन 1st जनवरी दैट इज ओपनिंग स्टॉक. जब 1st जनवरी या तो 1st अप्रैल बोलते हैं तो वो ओपनिंग स्टॉक होगा. एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन January 31st, तो 31st बोला है मतलब ये क्लोजिंग हुआ, मतलब हमें जनवरी मंथ का हमें यहाँ मटेरियल परचेस बजट बताना है. इसी तरीके से आपको सारे मंथ की भी डेटा दे सकते हैं बट वो बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो जाती है, इसलिए यहाँ जनवरी मंथ या तो पहले वाले एक्सरसाइज में पूरे साल को लिया था. तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है आपको. एस्टिमेटेड कंजम्पशन आपको दिया है कि कितना कंजम्पशन मटेरियल का होगा, सारे मटेरियल का कितना कंजम्पशन होगा उसकी क्वांटिटी आपको दी हुई है कि इतना कंजम्पशन होगा, प्रोडक्ट बनाने में इतना मटेरियल कंज्यूम होगा, और उसकी प्राइस दी है. सभी तरह के मटेरियल की यहाँ पे प्राइस दी है. अर्लियर एक्सरसाइज में प्राइस नहीं दिया था इसलिए हमको उसकी कॉस्ट पता नहीं चली, यहाँ पे हमें कॉस्ट भी पता चल जाएगी. सो व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द मटेरियल परचेस बजट. सो व्हाट वी विल डू, वी विल प्रिपेयर कॉलम अकॉर्डिंग टू द मटेरियल्स. तो हमारे पास टोटल 6 टाइप के मटेरियल है तो उनके कॉलम्स बना लेने हैं. फर्स्ट कॉलम आपका पर्टिकुलर्स का रहेगा. अब इसके पहले वाले एक्सरसाइज में क्या था, आपको टारगेटेड सेल्स दिया था. यहाँ पे टारगेटेड सेल्स नहीं दिया है बट आपको टारगेटेड कंजम्पशन दिया है कि कितना कंजम्पशन होगा मटेरियल का. तो जब सेल्स नहीं दिया है तो आप कंजम्पशन को लेके इसको काउंट करोगे. तो सबसे पहले तो एस्टिमेटेड कंजम्पशन ले लेंगे सभी तरह के मटेरियल का, जो आपको थर्ड पॉइंट में दिया है क्वेश्चन में. सभी मटेरियल का कंजम्पशन इतना होगा और जैसे मैंने बताया क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करना है क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट है, इतना क्लोजिंग स्टॉक रहना चाहिए हमारे पास. तो एक तो कंजम्पशन करना है वो यूनिट होना चाहिए और एक क्लोजिंग स्टॉक हमें रखना है वो यूनिट होना चाहिए. तो ये दोनों मिला के हमारी रिक्वायरमेंट हो गई. जो अवेलेबल है वो माइनस कर देंगे, मतलब ओपनिंग स्टॉक जो अवेलेबल है वो माइनस कर देंगे. तो आप उसको ऐड कर दोगे तो सभी मटेरियल की आपको इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट मिल जाएगी. उसमें से आपको माइनस कर देना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ दिस मटेरियल विच इज अवेलेबल, मतलब उतना मटेरियल हमें
कम परचेस करना पड़ेगा क्योंकि वो अवेलेबल है, हमारे पास उतना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो माइनस कर देंगे क्वेश्चन में जो आपको फर्स्ट पॉइंट में दिया है वो। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यू हैव टू परचेस, तो एस्टिमेटेड परचेस इन यूनिट्स यू विल गेट। कैसे मिला? तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर कंजम्पशन नहीं है तो सेल्स दिया होगा, तो वहां बनेगा सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो अब हमें सारे मटेरियल की एस्टिमेटेड परचेज की क्वांटिटी मिल गई है यूनिट्स में। हमेशा मान के चलते हैं कि हमें यूनिट्स में दिया हुआ है। अब उसकी प्राइस दिया हुआ है कि मटेरियल ए का 25 पैसा होगा, मटेरियल बी का 5 पैसा होगा। बहुत कम प्राइस दी है, पी मतलब पैसा, अगर आगे रुपीस लिखा होता तो हम रुपीस के हिसाब से करते। तो अब उसको मल्टीप्लाई कर देगी रेट पर यूनिट, पर यूनिट रेट है, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट बोला है। पॉइंट मटेरियल ए में 0.25, मटेरियल बी 0.005, ये लिखने में मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। जब 5 पैसा बोला है तो वो 0.5 लिख के आ जाते हैं, अगर आप 0.5 लिखते हो तो वो 50 पैसे हो जाएगा फिर। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 5 पैसा है मतलब 0.05 लिखना है, 0.15 है 15 पैसा, 10 पैसा 0.10, 20 पैसा, तो ये ध्यान रखना है। जानबूझ के इस तरह का के क्वेश्चन बनाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स गलती कर दे। जैसे यहाँ पे मटेरियल बी में कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को कि 0.5 लिखना या 0.05 लिखना, और फिर वहां पे उनकी ये मिस्टेक हो जाती है और सब कुछ सही होने के बावजूद भी उनका मार्क्स कम आता है। ओके, तो ये हो गया हमारा रेट पर यूनिट। अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1,24,000 इंटू 25, तो आपको 31,000 मिल जाएगा। सारे जो रेट दिए हैं उनको मटेरियल परचेस एस्टिमेटेड परचेस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इसकी एस्टिमेटेड परचेस कॉस्ट मिल जाएगी, मटेरियल परचेस कॉस्ट। तो ये आपका यहाँ पे दो तरह का बन गया, एक तो मटेरियल परचेस बजट भी हो गया और मटेरियल कॉस्ट बजट भी हो गया, बोथ आर कवर्ड इन दिस इलस्ट्रेशन 9। अच्छा, आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, एक्सरसाइज यहाँ एक खत्म होता है। ओके, तो आई होप देर इज नो डाउट इन दिस मटेरियल बजट। इसी तरीके से हमने कल प्रोडक्शन बजट देखा था, प्रोडक्शन बजट की भी यही फॉर्मूला थी, आप यहाँ देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर मैंने बताया हुआ, एक नीचे लिखा भी हुआ, एक क्वेश्चन हमने कल किया था, कितना प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए आपको सेल्स लेना है या तो कंजम्पशन लेना है, जो डेटा दिया है वो लेना है, उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना है, ओपनिंग माइनस करना है, तो आपको पता चलेगा कि कितना यूनिट प्रोड्यूस करना है। अगर मटेरियल का बजट होगा तो उसमें यही चीज आएगी कि कितना परचेस करना है, प्रोडक्शन की जगह पे वर्ड आ जाएगा परचेस, और वहां पे सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सेल्स नहीं दिया है तो कंजम्पशन लेना। तो ये आपका मटेरियल परचेस बजट हुआ। नाउ नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ बजट। सी, बजट आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बट इन अवर सिलेबस वी हैव द प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, कैश बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। एंड व्हेन वी आर टेकिंग द प्रोडक्शन बजट, तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक प्रोडक्शन कॉस्ट बजट जो कल लिया था, मटेरियल कॉस्ट बजट जो अभी हमने कवर किया। अब उसी तरीके से उसी में और आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड बजट। So now we are understanding how it is prepared. सबसे पहले तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है,
ये प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट नहीं है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इसीलिए उसको ओवरहेड बोला जाता है। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको ओवरहेड कहेंगे हम। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बजट रहेगा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने के कितने एक्सपेंसेस आएंगे, उसका यहाँ पे हम एस्टिमेशन लगाएंगे। तो इसके लिए हमें सेल्स के डेटा जो मिलेंगे उसके हिसाब से सेल्समैन को कितना कमीशन देना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट का क्या एक्सपेंसेस होगा, और सेल्स से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस हो गए जैसे कि डिलीवरी वैन का क्या एक्सपेंस रहेगा, अगर हम कस्टमर को सॉरी अगर हम सेल्समैन को सैलरी दे रहे हैं, फिक्स सैलरी दे रहे हैं या तो कमीशन दे रहे हैं, तो उसकी क्या चार्जेस रहेंगे, वो सारी चीज को लेके हम एक कॉस्ट का बजट बनाते हैं कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ये हमारा बजट रहेगा। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सेल्स ओवरहेड बजट फ्रॉम द एस्टिमेटेड एस्टिमेट्स गिवन बिलो। एडवर्टाइजमेंट में 2,500 का खर्च होने वाला है, सैलरी टू सेल्स डिपार्टमेंट में 5,000 का एक्सपेंस है, एक्सपेंस जो सेल्स डिपार्टमेंट जहां चल रहा है वहां पे 1,500 रुपये के एक्सपेंस होने वाले हैं, काउंटर सेल्समैन सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस 6,000। मीन्स ऑल दिस एक्सपेंसेस आर रिलेटेड विद द सेलिंग ऑफ द गुड्स और दे आर रिलेटेड विद द सेल्स डिपार्टमेंट। अगर आपको कंफ्यूज करना हो तो इसमें कुछ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी दे दिए जाएंगे या तो मटेरियल की कॉस्ट दे दी जाएगी ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, तो आपको उसको इग्नोर करना है। नो डाउट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, बट ऐसा किया जाता है। ट्रैवलिंग सेल्समैन कमीशन एट 10% ऑन देयर सेल्स। तो आपको पता होगा कि सेल्समैन को तो बहुत सारी जगह पे जाना होता है, जैसे वडोदरा में वो जॉब कर रहा है तो उसको सेल्स के लिए अलग अलग सिटीज में जाना होता है, तो उसको जो ट्रैवलिंग सेल्समैन है उनको कमीशन भी दिया जाएगा, वो जो सेल्स करेंगे उसका 10%। एन एक्सपेंसेस पे किए जाएंगे 5% ऑन देयर सेल्स। सेल्स के टारगेट दिए हुए हैं आपको काउंटर सेल्स एंड ट्रैवलिंग सेल्समैन सेल्स 80,000 एंड 10,000, 120, 15 एंड 140 एंड 20। काउंटर सेल्स क्या होता है, जहां पे हमारा शोरूम होता है वहां पे जो सेल्स होता है वो काउंटर सेल्स है, और कुछ सेल्स हमारे सेल्समैन अलग अलग सिटी में जाके करते हैं, डोर टू डोर रह के करते हैं, वो ट्रैवलिंग सेल्स है। ओके, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ। अब इसके ऊपर से हमें बनाना है सेल्स ओवरहेड बजट। तो जब ओवरहेड की बात कर रहे हैं तो हम कॉस्ट ही लेंगे, उसके एक्सपेंसेस ही लेंगे। तो सबसे पहले तो आप देख लो, यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड सेल्स दिया है। एस्टिमेटेड सेल्स कैसे मिलेगा, हमारे काउंटर पे जो सेल्स होगा उसको और ट्रैवलिंग सेल्स में जो सेल्स करेंगे वो दोनों का टोटल कर दो तो आपको एस्टिमेटेड सेल्स मिलेगा। तो पहले आ रहा है 80 प्लस 10 90,000, 120 प्लस 15 135,000 एंड 140 प्लस 20 160, तो ये आपका एस्टिमेटेड सेल्स हो गया, इतना सेल्स करना है। अब उससे रिलेटेड एक्सपेंस सेल्स लिखने के बाद आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो ताकि वो टोटल में ना आए, क्योंकि हमें सेल्स को नहीं लेना है, हमको कॉस्ट को लेना है। अब कुछ एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस, सेल्समैन सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, एक्सपेंसेस ऑन द सेल्स डिपार्टमेंट एंड काउंटर सेल्समैन सैलरी एंड डीए। ये सारे एक्सपेंस आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे दिए हुए और ये एक्सपेंसेस फिक्स रहेंगे बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेल्स। जो एक्सपेंसेस सेल्स पे डिपेंडेंट है उसको वेरिएबल एक्सपेंस में हम कंसीडर करेंगे, जैसे कि कमीशन दे दिया या तो सेल्समैन को जो एक्सपेंस पे किए हमने सेल्स के ऊपर ट्रैवलिंग सेल्समैन को, वो वेरिएबल में जाएगा, वो जितना सेल्स होगा उसके हिसाब से होगा। तो एक्सपेंसेस आपको बताया है दो तरह के होते हैं, फिक्स एंड वेरिएबल।
जो फिक्स एक्सपेंस है वो हर जगह पे आप एज इट इज लिख दोगे। तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स आर गिवन एंड फॉर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स वी हैव टेकन द एक्सपेंसेस जो फिक्स रहेगा। अगर 90,000 का सेल्स होगा तो भी एडवर्टाइजमेंट का 2,500 का ही हम एक्सपेंस करने वाले हैं। 1,35,000 का सेल्स होगा तो भी वही रहेगा। इसलिए आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस हर जगह पे अलग अलग दिया है। आप इसको ऐसे समझो, हमें अलग अलग सेल्स के टारगेट दिए हैं और हमें अलग अलग जो सेल्स के टारगेट दिए उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। तो तीन टारगेट है हमारे पास, तो तीन कॉलम इसलिए बने हुए हैं, सेल्स टारगेट और उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट लिखी है। फिक्स कॉस्ट आपने लिख दी है, फिक्स ओवरहेड। तो तीनों डिपार्टमेंट में, सॉरी तीनों एस्टिमेशन में कॉस्ट रहेगा 15-15 हजार फिक्स। अब कुछ एक्सपेंस हमें वेरिएबल भी दिए हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग सेल्समैन कमीशन, वो 10% सेल्स का होगा, तो ये वेरिएबल में जाएगा। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन कमीशन 10%, एंड काउंटर सेल्समैन कमीशन 1% ऑन सेल्स एंड एक्सपेंसेस 5%। लेट अस चेक इज इट गिवन इन द क्वेश्चन। शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, काउंटर सेल्समैन जो है उसका परसेंटेज नहीं दिया है, बट दे हैव टेकन। ओके, तो चलो ये जो 10% सेल्स है वो ट्रैवलिंग सेल्समैन का कमीशन है। तो अब आपको तो यहाँ दो सेल्स भी है, काउंटर सेल्स और ट्रैवलिंग सेल्समैन का सेल्स। तो 10% आपको काउंटर सेल्स का नहीं लेना है, 10% यू हैव टू टेक ऑफ द ट्रैवलिंग सेल्समैन। तो 10% ऑफ 10% ऑफ 10,000 1,000 होगा।